आज का हमारा ये वीडियो इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बात थोड़ी पुरानी है, लेकिन शायद उस वक्त किसी ने गौर नहीं की हो। लेकिन जब ऐसे कभी वीडियो सामने आ जाते हैं और आप गौर करने लगते हैं तो आपको तब वो बातें नहीं दिखती, लेकिन बाद में ऐसी बातें ज़रूर दिखती हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि थंबनेल और टाइटल देखकर आप कुछ समझे होंगे, लेकिन माजरा हम पूरा समझाते हैं। आपको याद है कि अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा। टॉयलेट एक प्रेम कथा यूपी बिहार के पृष्ठभूमि पर ही आधारित थी। इस फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है अमूमन यूपी बिहार के हर दूसरे या तीसरे घर में होता है। टॉयलेट की वहाँ प्रॉब्लम है और उस चीज़ को बड़े बखूबी से फिल्म में दिखाया गया। बॉलीवुड की फिल्में जैसे ही कंप्लीट होती हैं उनके प्रमोशन का एक अलग ही दौर चालू हो जाता है। एड़ी से चोटी तक का जोर लग जाता है फिल्म को अच्छा बिजनेस कराने के लिए। तो फिल्म के प्रमोशन के लिए फिल्म की स्टार कास्ट बिहार पहुंची, भूमि पेंडेकर, अनुपम खेर और साथ में अक्षय कुमार। जी हाँ, अक्षय कुमार की एक अलग ही फैन फॉलोइंग है, तो अक्षय कुमार एक अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं। प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार ने सोचा कि वो टॉयलेट एक प्रेम कथा का गाना बजाएंगे। वैसे आपको बता दें ये फिल्म म्यूजिकली भी काफ़ी हिट रही थी और इसी से वो अपना प्रमोशन करेंगे। यहाँ पर वो कोई लाग लपेट करके किसी भी भोजपुरिया स्टार का गाना बजने नहीं देंगे। लेकिन भाई यूपी बिहार आए और पवन का लॉलीपॉप न बजा तो क्या बजा। अक्षय कुमार ने कई बार कोशिश की। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। हम इसकी थोड़ी सी क्लिपिंग दिखा सकते हैं। और फिर उसके बाद हम बताते हैं कि कई बार कोशिश की कि उनके फिल्म का गाना बजे, लेकिन दर्शक थे कि पवन के मूड में थे, पवन के गाने के मूड में थे। हार कर अक्षय कुमार ने कहा हाँ वही वाला सॉन्ग, बस इतना ही कहना था कि लॉलीपॉप लागे लू प्ले हो गया। अब भाई कौन सुन रहा है लॉलीपॉप बजने के बाद कि अक्षय कुमार आपके सामने खड़े हैं, अनुपम खेर आपके सामने खड़े हैं या फिर खड़ी हैं इस फिल्म की हीरोइन भूमि पेंडेकर। सभी डांस करने लगे और किसी को ये पता नहीं कि यहाँ पर प्रमोशन करने आए अक्षय कुमार अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की बात करेंगे। सभी को लगा अक्षय कुमार को भी पवन सिंह का गाना लॉलीपॉप बहुत पसंद है, इसलिए अक्षय कुमार ने इस गाने को बजाने के लिए कहा। लेकिन आप देखेंगे इस वीडियो में कि अक्षय कुमार ने इस गाने का सिंगल वर्ड भी नहीं गाया है। आपने इससे पहले ऋतिक रोशन को इस गाने पे थिरकते देखा होगा, तो इस गाने की लिपसिंग करते भी देखा होगा, यानी कि इस गाने को गाते हुए भी देखा होगा। अक्षय कुमार तो भाई ठहरे, अक्षय कुमार ने लिपसिंग तो छोड़िए कुछ मूवमेंट तक नहीं किया, जबकि लॉलीपॉप गाना अगर बज जाए तो कौन है जो वो नाचे बगैर नहीं रह सकता। वैसे जैसा फैंस का रिएक्शन था उसे देखकर अक्षय कुमार भी पानी पानी हो गए। अक्षय को लगा था कि वो अक्षय कुमार हैं, इसलिए फैंस उन्हें पवन के गाने के आगे तो भूल ही जाएंगे। लेकिन ऐसी हिमाकत अक्षय कुमार को बहुत भारी पड़ी। फिर अक्षय कुमार ने ये जरूर समझ लिया होगा कि यूपी बिहार में लॉलीपॉप लागे लू गाना अगर बज गया तो भाई आप फिर चाहे आप कहीं के भी टॉम क्रूज हो, आपकी दाल वहाँ नहीं गलने वाली। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।